हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल दोस्त दाकन इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा भिवानी बोर्ड के अंदर दोस्तों कंपार्टमेंट के फार्म हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। उनका शेड्यूल है वो हमारी वेबसाइट, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अपलोड कर दिया गया है। भिवानी बोर्ड की वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप CTP के 2 या 3 पेपर में कंपार्टमेंट के, एडिशनल और रिपेयर के, या इम्प्रूवमेंट या फुल इम्प्रूवमेंट के फार्म हैं वो ऑनलाइन भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका प्रोसेस है, इनका टाइम है, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को इसके बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये है हरियाणा भिवानी बोर्ड शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, और इसके ऊपर आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे BSH भिवानी बोर्ड की वेबसाइट, तो इसके अंदर आपको जो है ऊपरी ऊपर एक लिंक दिखाई देगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हरियाणा ओपन, एक बार इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। ये दिया है यहाँ पे हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं क्लास 12वीं क्लास मार्च 2020 के अंदर जो पेपर होगा उसके लिए ऑनलाइन फार्म है, उसका जो है CTP का है। CTP का मतलब होता है दोस्तों, जो पहले रेगुलर में थे अब ओपन में जाएंगे वो CTP के अंदर आते हैं। रिपेयर का, एडिशनल का होता है दोस्तों, कोई भी एक सब्जेक्ट ऐड करना है उसके अंदर तो एडिशनल। ये प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट और फुल इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के जो फार्म है, इनका शेड्यूल जो है यहाँ पे ऑनलाइन फार्म का वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगी इस टाइप से। इसके अंदर क्या दिया हुआ है पूरी जानकारी बताऊँगा, ऑनलाइन फार्म भरने का प्रोसेस है वो अगली वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारी वीडियो अच्छी लगती है जानकारी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये दिया है दोस्तों यहाँ पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, यहाँ पे दिया है दोस्तों जिन विद्यार्थियों के द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय, मुक्त विद्यालय का मतलब है दोस्तों हरियाणा ओपन स्कूल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2020 के लिए CTP रिपेयर एडिशनल प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट फुल इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के लिए आवेदन करना है। तो उनका जो शेड्यूल है यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अनुसार आप ऑनलाइन फार्म वो इनका भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपार्टमेंट के फार्म है वो 11/11/2019 यानी आज से अभी ये लिंक मुझे प्राप्त हुआ है PDF फाइल। जैसे इनकी वेबसाइट पे अपडेटिंग आई है, सबसे पहले आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी न्यूज़ मुझे मिलती है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 1/11/2019 से ऑनलाइन फार्म वो अभी तक लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट शाम तक इसका स्टार्ट हो जाएगा। 1/11/2019 से इसका फार्म भर जाना स्टार्ट हो जाएगा। 10/12 तक बगैर लेट फीस के भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बगैर लेट फीस का मतलब है कि उसके बाद अगर 10/12 के बाद अगर आप फार्म भरोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा फीस लगेगी, लेट फीस लगेगी, जो कि 100 रुपये होगी। उसके बाद में 300 रुपये लेट फीस है, उसके बाद में 1000 रुपये लेट फीस है। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताऊंगा कि 11 से लेकर के 10/12 तक जो है आप इसी के बीच में फार्म भरें, इसके अंदर आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। जो निर्धारित शुल्क दिया हुआ है बोर्ड का रिपेयर का, वही आपको जो पे करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों 10वीं क्लास के लिए था, ये 12वीं क्लास के लिए समय सेम है, 11/11/2019 से लेकर के 10/12/2019 तक, और उसके बाद में लेट फीस है वो भी सेम है। ये दिया है यहाँ पे दोस्तों 10वीं और 12वीं CTP रिपेयर कैटेगरी में प्रायोगिक परीक्षा हमारी होती है, जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, उसके लिए जो 100 रुपये है दोस्तों वो अतिरिक्त दे करने होंगे, अतिरिक्त से जो एक्स्ट्रा है वो 100 रुपये इसके अंदर पे करने होंगे। फार्म के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें बता देता हूँ, ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा तो वो फार्म भर के भी आपको दिखाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे, तभी मैं ऑनलाइन फार्म भरने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है सभी विद्यार्थियों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व परीक्षा से पात्रता से संबंधित नीचे दी गई जो सारी जानकारी है इनको ध्यान से पढ़ लें। तो इसके अंदर दिया हुआ दोस्तों कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर खुद का दें, किसी दुकानदार या कैफ़े का या अकेडमी का रोल नंबर मोबाइल नंबर जो है इसमें न दें, ताकि DMC घर पर आसानी से पहुँच जाए और डाके आपको कॉल करे तो आपको जो है DMC प्राप्त हो जाए। किसी अन्य का नंबर आप देते हैं तो आपको जो DMC जो है ओपन बोर्ड की जल्दी से नहीं मिलती है। इसके बाद में दिया हुआ है दोस्तों कि ID यूज़र ID और पासवर्ड है ये अपने पास सेव रखें, और यूज़र ID और पासवर्ड है इसको जो है फार्म भरा जाएगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास फार्म की हार्ड कॉपी है तभी आप जो है फार्म को मानेंगे, भी आपका फार्म कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। अगर आपने ID और पासवर्ड लेके आप घूम रहे हैं तो आपको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा, ये बोर्ड ने इसमें जमा हिदायत दे रखी है कि हार्ड कॉपी फार्म की देख लें, निकाल के उसमें नाम पता चेक कर लें, इसमें कोई भी कोरेक्शन भी नहीं होगी। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के दौरान आपको एक फ़ोटो जिस पे दोस्तों तारीख लिखी हो नीचे वो अपलोड करनी है, आपका नाम फ़ोटो के नीचे, जैसे ये फ़ोटो है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके नीचे आपका नाम और फ़ोटो जो जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है
उसकी तारीख आपकी लगी हुई होनी चाहिए और सिग्नेचर जो इसके ऊपर अपलोड करने हैं फार्म के अंदर। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय उत्तीर्ण कंपार्टमेंट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे सी टी पी कैटेगरी के बारे में मैंने बताया था, जो दोस्त पहले रेगुलर कैटेगरी में है उनका चांस खत्म हो चुका है, तो उनका चांस जो है सी टी पी के अंदर दिया जाता है, जिसे क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली बोलते हैं। ये 5 नंबर कैटेगरी है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान हो जाएगा। ये PDF फाइल है जो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बताऊंगा कि जिन दोस्तों के दो में कंपार्टमेंट है वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और जो दोस्त एडिशनल अप्लाई कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो उनको जो ये एड्रेस दिया हुआ है इसके विद्यालय मास जीव मुक्त विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर फॉर्म को भेजना होता है। तो फ्रेंड्स, किसी प्रकार की फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। जिनके दो या तीन पेपर में कंपार्टमेंट है दोस्तों, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका सलूशन करेंगे। शेयर ज़रूर करना है दोस्तों इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।